तेरे पास थोड़ा पानी बचा है? पता नहीं हम लोग बच भी पाएंगे या नहीं। देख हिम्मत मत छोड़, इस नक्शे के हिसाब से हम उसी जगह पर हैं जहां खजाना छिपा है। We are very close. हमारी मंजिल अब बहुत करीब है। Let's go. मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ। तो इसका मतलब हम लोग सही जगह पर पहुंचे। देखिए दरअसल हम लोग, मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो। कि एक बात याद रखना, इस राह पर चलने के बाद हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बोलो मंजूर है? Yes. कुछ भी सुनाई दे दिखाई दे घबराना मत, अपनी नजरें सामने रखना, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। से सीधे अंदर चले जाओ, ये रास्ता तुम्हारी मंजिल की तरफ तुम्हें ले जाएगा। संभाल गया संभल गए भाई। कैसा हम सोच रहे हैं कि सब कुछ वैसे हो गया ना तो दुनिया की सारी खुशियां हमारे कदमों में होंगी। वो तो है, तभी तो उस तक पहुंचने का रास्ता खतरों और मुसीबतों से भरा है। कुछ नहीं होगा, तू चल चल।
सूरत तो छोटी होती जा रही है यार। हम दोनों साथ साथ ही जा पाएंगे। अब क्या करें यार? एक काम कर, तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। अच्छा, ओके। जीन, तूने पीछे मुड़े क्यों देखा यार? ओके। क्या कहा? अंकल जी, कुछ पता चला आपको सुनील के बारे में? नहीं बेटा, कुछ नहीं पता चला। अच्छे दिन हो गए हैं, कोई खबर नहीं है। जरूर मेरे बेटे को कुछ हो गया है। आखिर सुनील गया कहाँ? कुछ तो कहकर गया होगा आपको। मैंने मना किया था उसे, मैंने कहा था उसे कि बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी उसने, एक बात नहीं सुनी। अरे अरे अंकल, रोइए मत ना प्लीज। अंकल मुझे वो तो बताइए कि वो जगह कौन सी है जहां सुनील गया था। मैं जाकर देखूंगा वहां पर। ना बेटा ना, ऐसी गलती मत करना। सुनील तो चला गया, खजाने के लालच में हुआ है सब। खजाना? हाँ, किसी छिपे हुए खजाने के बारे में पता चला था उसे, उसी की तलाश में चला गया था। कहीं उस खजाने की लालच में किसी ने उसकी जिंदगी छीन ना ली हो। हाँ, ऐसे ही एक खजाने के बारे में मुझे कुछ कह तो रहा था वो, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो उस जगह का पता चला जहाँ ये खजाना छिपा हुआ है? ओ, अलमारी में से कुछ कागज और नक्शे वगैरह लेकर गया था। बेटा, अच्छा अंकल, तो अब मैं चलता हूँ। आप अपना ध्यान रखो। ठीक है बेटा, आते रहना। Thank you.
कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तुझे भी खजाने के लालच ने काट लिया है। इस लालच के सांप के जहर से तू भी नहीं बचेगा। तेरी मौत लिख दी गई है। चाल आया है कि इसी चोट की नींव तक खिल गई। एक आदमी के हाथ में शक्ति आ जाती है तो बाकी इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है। आप भी तो शक्तियां ही ढूंढ रहे हैं ना? हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारा काम है ये। मगर आज तक हमें पता नहीं चला कि आप और आपके बॉस इन शक्तियों के साथ करते क्या हैं। फिर पूछना नहीं कभी। जाओ, पीछा करो, पीछा करो। किसका पीछा? उसी का जिसके पास शक्ति आई है। पर पीछा करने की क्या जरूरत है? हम जाकर उनसे मिल भी तो सकते हैं ना? नहीं, 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 उससे मिलना नहीं, मिलना नहीं उससे, उससे मिलना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? क्यों? थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते जिंदगी बदल गई है उसकी। पहले वो कंगाल था, अब राजा बन गया है। इतने पैसे आ गए हैं उसके पास कि अगले 100 साल तक भी उसके परिवार वाले बैठ के खाते रहेंगे। तो ये बात है, उसके पैसे से जलन हो रही है आपको? पैसा कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। ये कपड़े देखे हैं मेरे? आत्माओं से लड़ते लड़ते जिंदगी कट गई मेरी। आत्माओं का राज जानने नहीं, सब कुछ लुटा दिया है मैंने। जाओ, जाकर ढूंढो शक्ति को। जाओ, हर बुधवार को वो जाके मिलता है उस आत्मा से। बुधवार? बुधवार तो आज ही है। इससे पहले कि रात हो जाए मनीष के घर पहुंच जाना चाहिए। क्या हुआ? पेट्रोल नहीं है क्या? पेट्रोल तो आज सुबह ही भराया था, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगता है तुम दोनों को निकल जाना चाहिए, शायद जीप खराब हो गई। पर हर्ष, तुम? जीप ठीक होते मैं वहां पहुंचाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है।
थैंक गॉड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यामिनी तो अभी भी राघव के साथ, इसके कपड़े भी। तो क्या पता चला तुम्हें किसकी आवाजें थी? मलिका की। पर यामिनी आखिर ये मलिका है कौन? मेरी जुड़वा बहन। कहीं यामिनी की जुड़वा बहन मलिका तो नहीं? मलिका, यामिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। आखिरी हर्ष गया कहाँ? और इसका फोन भी नहीं लग रहा। गाड़ी ठीक होने में वक्त लग रहा होगा यामिनी। पर एक फोन या मैसेज तो कर लेता। घबराओ मत यामिनी, आ जाएगा वो। पहले इस मौनी से तो निपटना है। पता नहीं ये घर के बाहर आने भी वाला है या नहीं। राघव, बुधवार की रात है, आएगा तो जरूर। लो, घर की लाइट्स भी ऑफ हो गई। इसका मतलब कि वो आ रहा होगा। चलो ना, इसका पीछा करते हैं। देखते हैं आज रात ये करने क्या वाला है। कितनी दूर जाएगा ये? 2 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। ये इलाका भी कितना खतरनाक है। मैंने सुना है यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, शेर चीते। न जाने ऐसी जगह पे इस वक्त ये क्या लेने आया। राघव गाड़ी रुक, ये देख पुलिस की गाड़ी। तो चारों तरफ जगह ही जगह। कहाँ चला हमने? लगता है यहाँ से पैदल जाएंगे। पता नहीं, चलो देखते हैं। रिकॉर्डिंग भी शुरू कर।
फिर से आ गए। इसका मतलब अभी तक तुम्हारी इच्छा समाप्त नहीं हुई है। अभी और बहुत कुछ है जो मुझे जिंदगी से चाहिए। ये आदमी कौन है? कहीं ये वही शक्ति तो नहीं जिसने रातों रात मोनिश को अग्नि बना दी? जरा संभल के, बच्चों का खेल नहीं है। जानता हूं मैं, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। दीवारें ही दीवारें हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग अचानक गायब कहां गए। सबिन खा गई इन्हें या आसमान निकल गया?
लाशें। न जाने कितने लोग आए होंगे यहाँ इसकी तलाश में, लेकिन इसे पा ना सका। की गाड़ी कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। हमने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। एक काम करते हैं, मोनिश के घर चलते हैं, वैसे भी यहाँ वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। पर राघव, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के चले जाएगा? हो सकता है। हाँ, एक्चुअली क्योंकि दुर्जन ने कहा उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया खरीद सकता है, एक गाड़ी उसके लिए क्या है। चल क्या हुआ राघव? यामिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई भी जो शायद हमें देखता है। मेरे लिए नेकलेस एंड बॉक्स लाए हैं। दुनिया के सबसे अच्छे हीरे वहीं पर मिलते हैं। काश कि तुम्हारे जैसा पति हर लड़की को मिले। वो तो है। Thank you.
मोनिश, मोनिश, मोनिश। हाँ मेरी जान। मोनिश, वो आया है। वो? कौन वो? प्रतीक। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि बिन बुलाए इस तरह चला है? नहीं नहीं, वो बिन बुलाए नहीं आया है, मैंने बुलाया उसे। क्या? तुमने उसे बुलाया? क्यों? भूल गए? किस तरह उसने तुम्हारी बेइज्जती पूरे ऑफिस के सामने की थी और किस तरह तुम्हें धक्के मार के नौकरी से निकाल दिया? सब भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। फिर? उसे वहां गया था और वहां जाकर वो कर दिया। ये नहीं हो सकता, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूं। आइए आइए मिस्टर प्रतीक, आइए। मैंने सोचा था शायद आप नहीं आएंगे। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए। मैंने बिना बात के ही आपकी इंसल्ट कर दी। अरे छोड़िए पुरानी बातों को, आइए आइए शैंपेन के जाम से एक नई दोस्ती की शुरुआत करें। व्हाई नॉट, वेटर प्लीज। चीयर्स। आइए। लेकिन मुझे अब तक दुख है कि मैंने उस दिन बेवजह ही तुम्हें बहुत कमाल। मोनिश के घर पे पार्टी और वो खुद घर के बाहर है? नहीं राघव, वो घर पे ही है। वो देखो। अरे यहाँ कैसे पहुंचा? उसकी गाड़ी तो वहीं पे थी ना? जरूर किसी दूसरे रास्ते से आया होगा। चल पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या करने पे तुला हुआ है। मैं अपने दूसरे मेहमानों से मिलके आता हूँ, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। मरने से पहले सभी बहुत अच्छे लगते हैं। Cheers. अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। हेलो। हाँ मैं पार्टी में पहुंच तो गया, लेकिन मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि मोनिश ने अपनी मुझे पार्टी में कैसे बुला लिया। मैंने इसे कितना जलील किया था, कितना कितना बेइज्जत किया था, और उसके बाद भी इसने मुझे पार्टी में बुला लिया। कुछ गड़बड़ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। Come on!
ये तो मर चुका है। क्या? ओ, क्या? मर गया? चुका है। हे भगवान। कैसे? 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 पुलिस को पता चला।